नमस्कार दोस्तों, दिव्या दृष्टि ज्योतिष भवन में मैं आपका सभी का दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा रक्षा सूत्र यानी राखी का मुहूर्त। रक्षाबंधन 26 अगस्त को रविवार के दिन मनाया जा रहा है। धनिष्ठा का पहला जो नक्षत्र है पंचक का, वो शुरू हो रहा है। पंचकों का पहला नक्षत्र धनिष्ठा है, तो काफी माताएं बहने भाई इस में शंका कर रहे हैं कि पंचकों में रक्षाबंधन बन रही है, लेकिन पंचकों का कोई भी किसी प्रकार का कु मुहूर्त रक्षाबंधन के दिन नहीं पड़ेगा। रक्षाबंधन के दिन किसी प्रकार का कोई भद्रा योग नहीं है, कु मुहूर्त नहीं है, यानी कि अशुभ योग नहीं है, बिल्कुल शुभ मुहूर्त है। सुबह 6 बजे से लेके शाम 5:25 तक रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा। काफी बहने भाइयों से दूर है, दिन के दिन जाएंगी तो लेट भी हो सकती हैं या भाई भी लेट हो सकते हैं, तो बिना चिंता करें, बिना संकोच करें, शाम 5:25 तक रक्षा सूत्र आप बांध सकते हैं, बनवा सकते हैं। सुबह 6 बजे से ये मुहूर्त शुरू है और जितना जल्दी हो सके सुबह के समय रक्षा सूत्र यानी कि राखी का वो त्योहार मनाएं। राखी बांधने का एक मंत्र है, वो जरूर उच्चारण करें जिसको पढ़ना आता हो। वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में इस मंत्र को लिख देंगे। ओम येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल है तेन त्वाम प्रतिबंधनामी रक्षे माचल माचल है। यानी कि जिस प्रकार राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर उसने बिना विचलित हुए अपना सभी कुछ निछावर कर दिया था, दान कर दिया था, तो इसी प्रकार है भैया आप भी बिना विचलित हुए दृढ़ विश्वास से अपना कार्य करते रहे और मेरी रक्षा करें, भगवान आपकी लंबी आयु करे। इस मंत्र का यही अर्थ है। तो माता बहने जो मंत्र उच्चारण नहीं कर सकती, सच्ची भावना से भगवान से अपने भाई की लंबी आयु व कारोबार की बढ़ोतरी के लिए मनोकामना करती हैं, रक्षा सूत्र यानी राखी बांध दें, यही बहुत बड़ी बात है। और कल के दिन यानी कि 26 अगस्त दिन रविवार को जो रक्षा सूत्र राखी का त्यौहार मनाया जा रहा है, उस दिन कोई भी किसी प्रकार का ग्रहण नहीं है, ग्रहण की अभद्र मुहूर्त की और पंचकों की चिंता बिल्कुल ना करें, बिल्कुल शुभ मुहूर्त है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कुछ पूछना है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। सभी माताओं बहनों को रक्षा सूत्र राखी के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें और पास में लगे इस बेल पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहें।